आपको सच्चाई दिखती नहीं है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नियत में जरूर कुछ खोट होगी। पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है, आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं और अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते होंगे, हमने भी देखे वीडियो पे, कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। यहाँ जो आपके उम्मीदवार अनंत पटेल जी हैं, ये खुद संघर्ष और आंदोलन से निकले हैं, खुद आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी, खड़गे जी, और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा, और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले, उससे पहले 4000 किलोमीटर। ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफ़ी ऐसी स्कीम और काफ़ी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहाँ वहाँ जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं।
आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है? वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूँ। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपये मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। हम एक विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे, और जो वन अधिकार का कानून है जिसमें आपको पट्टे, जो पट्टे आपको मिले थे उनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे, और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगी ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं, और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था, चाय बेचते थे वो, टीवी पे हमने उनको देखा। उस समय इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना दुख हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें। उस समय अनूप टीवी पे आए और रोने लग गए, और जब हमने ये देखा तो हमने अपने ऑफिस में किसी से कहा कि भाई ढूंढिए इन्हें, इनसे बात करने की कोशिश करिए, हम मदद करना चाहते हैं। और उनके जरिए 7000 टिकटों की व्यवस्था हुई। यहाँ से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुंच पाए। तो देखिए, अगर कोई नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो जिसकी नीयत ठीक हो, जो आपके लिए सही काम करना चाहती है, तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये परिस्थिति दिख रही है अपने जीवन में कि 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नीयत में ज़रूर कुछ खोट होगी।